नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको अब जिप्सम जब हम मिलाएंगे अपनी तीसरी पलटाई में, तब हम आपको वीडियो दिखाएंगे। या मेरी आप देख सकते हैं, ये तीसरी पलटाई का टाइम है जहां हम अपना ये जिप्सम डाल रहे हैं अपनी कंपोस्ट पे। ये आप देख सकते हैं, जिप्सम को हम ऊपर कंपोस्ट के ऊपर डाल रहे हैं। कुछ भाग हमने काटा हुआ है ये कंपोस्ट का, उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये जो जिप्सम है ये एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम है जो एग्रीकल्चर यूज में आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे देती है। हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग दे रही है। ये यूपी गवर्नमेंट का है जो उदयपुर से आया। देख सकते हैं आप, ये जिप्सम कुछ इस प्रकार का होता है। मैंने यहाँ 10% जिप्सम लिया है। 10% जिप्सम के हिसाब से हम इसको कंपोस्ट में मिला रहे हैं। तो दोस्तों, ये तीसरी पलटाई के बाद हम ऐसे ही बाकी की पलटाइयाँ भी करेंगे। उसमें हम खाली ऊपर का जो भाग है उसको नीचे करेंगे और नीचे के भाग को ऊपर करेंगे। हमें ये बस ये ध्यान रखना है कि हमारी कंपोस्ट में नमी बनी रहने के लिए हमें इसमें हल्का, अगर आपको लगता है कि आपका कंपोस्ट थोड़ा ड्राई है, सूखा है, तो आप इसमें हल्का हल्का फुहारे से पानी दे सकते हैं। जब आप इसकी पलटाई कर रहे हो तो उसको इसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और नॉर्मली जब हमारा कंपोस्ट की पलटाई हो जाती है तो उसके 12 घंटे के बाद आप इस पर पानी छिड़क सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपकी कंपोस्ट बहुत ड्राई है। इसमें जो नमी है वो 70% होनी चाहिए। जो पानी की मात्रा है, नमी है कंपोस्ट में, वो 70% होनी चाहिए। तो ध्यान रखें कि आपकी नमी बरकरार रहे कंपोस्ट में। आप उसे समय समय पे चेक करते रहें अपनी कंपोस्ट में कि आपकी नमी बनी है कि नहीं बनी है। तो दोस्तों, अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।